इस तपती दोपहर में पीने के साफ पानी की सप्लाई की मांग को लेकर रावतसर पीएचडी एएन के चौकट पर बैठे स्थानीय पार्षद व नागरिक गण एएन हेमंत सोनी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक और जहां राज्य सरकार 6 महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनाव की नैया राहत कैंप को पतवार बनाकर पार करने की कोशिशों में जुटी हुई है, वही एएन पीएचडी रावतसर ऑफिस की चौकट पर पानी के लिए मन्नते करते हुए थक हार कर धरने पर बैठे लोगों की सामने आ रही तस्वीरें देखकर लग रहा है कि भीषण गर्मी में लोगों की मूलभूत जरूरतों में से बिजली व पानी के लिए जनता को तरसाकर ये अधिकारी कर्मचारी ही सरकार के नाव के पेंदे में छेद करने का काम कर रहे हैं। वैसे सरकार और उसकी मंशा को लेकर अधिकारी कर्मचारी कितने गंभीर है यह तो हम कह नहीं सकते, लेकिन पीएचडी रावतसर में देखने में जो आया वह एकदम ऐसा लग रहा था मानो सरकार बदल चुकी है। यहाँ पर एएन ऑफिस में स्वच्छ जल का वायदा करने वाले सरकार के पोस्टर पर से किसी ने सीएम का चेहरा ही नोच कर रख दिया। अब जिस विभाग को सीएम की परवाह नहीं है तो आमजन तो त्राईमाम ही करेगा। आप भी सुनिए लोगों ने क्या बताया। आज कम से कम एक महीने से वार्डों में पानी नहीं आ रहा और इतना ट्यूबवेल का गंदा पानी भेज रहे हैं जो हर वार्ड में पीड़िए के मरीज हुए बैठे हैं और मैं खुद इस चीज़ का भूत भोगी हूँ। मैं आज 20 दिनों से जयपुर से भर्ती होकर पीड़िया हुआ था, मैं भर्ती रहा और मैं यहाँ 2 दिन हो गया है और पीने के लिए पानी नहीं है, पानी भेज रहे हैं आप नहीं चल रही है और फिर भी इन्होंने पानी और ट्यूबवेल का छोड़ रहे हैं। तो हम तो एएन साहब से आके मांग की है, एएन साहब कहते हैं जाँच करा लेंगे, जितनी बारी आते हैं हम 20 बारी आगे यहाँ कि जाँच करा लेंगे, जाँच से सिवा कोई और एएन साहब की कोई बात नहीं है। एएन साहब कहते हैं मैं तो एक्शन बन गया, मैं ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप जाओ यहाँ से, कहते और अधिकारी को आने दो, नहीं तो यहाँ गाँव की व्यवस्था को सुधारे। आज पीएचडी विभाग में जो जनप्रतिनिधि है वो इकट्ठा हो गए, एएन साहब से मिल रहे। एएन साहब का जो रवैया था बड़ा नकारात्मक था, एएन साहब को किसी बात के लिए अवगत कराया जाता है तो एएन साहब का खुला ये एक ही बात है कि मैं तो एक्शन बन गया हूँ, मेरा तो ट्रांसफ़र होना है, आप मेरा ट्रांसफ़र करा दें। किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, वार्डों के अंदर पानी नहीं है, रात को 2:30 बजे बिजली की समस्या के कारण सभी पार्षद बिजली बोर्ड में इकट्ठे हुए, रात को 2:30 बजे रानी बाजार की सप्लाई चल रही थी। एएन साहब को आके अवगत कराए तो एएन साहब ने पहले तो ये सब पानी हो ही नहीं सकता, कर्मचारी को बुलाया तो कर्मचारी कहता मेरे को पता नहीं है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि खुला भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस पीएचडी विभाग में खेला जा रहा है जिसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक के अधिकारी जो स्लिप्त हैं, खुले पैसे लिए जा रहे हैं, जिनके पास पैसे होते हैं उनकी सप्लाई वाटर की सप्लाई छोड़ दी जाती है। जो नीचे के वार्ड हैं, वार्ड नंबर जैसे 12 है, वार्ड नंबर 23 है, वार्ड नंबर 25 है, उन वार्डों में 26 है, उन वार्डों में पिछले 5 दिन से पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। 19 नंबर वार्ड में पानी की तो सप्लाई दी जा रही है वो पीने योग्य नहीं है। यदि एएन साहब कहते हैं पानी पीने योग्य है तो हम घर से पानी की बोतल भर लाते हैं और एएन साहब वो पानी पी के दिखा दें, उसके बाद में हम घर चले जाएंगे। वार्ड संख्या 6 और 7 जो पुराना 5 नंबर वार्ड है इसमें पानी की व्यवस्था है वो 3 गड़बड़ व्यवस्था है, वो कर्मचारी है वहाँ का भूपेंद्र नाम से, वो पूरा बाल नहीं खोलता है, पूरे दोनों वार्ड है वो परेशान है। तो इसलिए हमारी मांग यही है, हमारे भाई साहब सुशील जी है और तो दोनों वार्ड के पार्षद है, तो इसमें हमारी मांग ये भूपेंद्र सिंह जी को हटा करके वहाँ पर के अन्य कर्मचारी को लगाया जाए ताकि इन वार्डों में जो 5 वार्डों में पानी जाता है उसमें पानी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी हो सके।